सरकार बनावे के चाबी हमरा लगे बा। हम जब चाहब, हमार समाज जब चाही, तभी कोनो सरकार बनी और वो सरकार सत्ता में आई। नमस्कार, स्वागत बर वालों के न्यूज बिहार के यूट्यूब चैनल भारत लाइव में। आज एक बार फिर से हेलीकॉप्टर से अररिया पहुंच के मुकेश सहनी सन ऑफ मलाह इस बात के घोषणा कर दिले कि जे भी सरकार केंद्र बनी वो सरकार के बनावे में निषाद समाज के सबसे बड़ा योगदान हुई और सरकार बनावे के चाबी जोन बा वो यही समाज के लगे बढ़ुए। सीधा सीधा वो बात कहले कि हमारा साथे इतना बड़ा समुदाय जुड़े बढ़ुए, यह समुदाय के आरक्षण दिलाना, ये लोग के अधिकार दिलाना जो अब तक पेटी में संदूक में बंद बढ़ुए, ओकरा के निकाल के ताला चाबी खोज के और देवे खातिर हम जो पार्टी बनानी है राजनीतिक पार्टी ओकरा माध्यम से प्रतिनिधित्व हुई और सरकार के मजबूर करके आरक्षण निषाद समाज के दिवाओल जाई। संगे संगे वो यो बात कहले है कि अगर कोई सरकार बनत रुए केंद्र में तो सरकार में सबसे बड़ा भागीदारी अगर होई और तो ओकर सबसे बड़ा योगदान निषाद समाज के होई, चूंकि हमने के लगभग 15% बानी जा रुआ वीडियो में देख ली। नमस्कार, स्वागत है आपका भारत लाइव टीवी के इस यूट्यूब चैनल पे। इस वक्त हम खड़े हैं पटना एयरपोर्ट पर और सन ऑफ मलाह मुकेश सहनी, जिनका कार्यक्रम आजकल बहुत व्यस्त चल रहा है, रैलियां लगातार कर रहे हैं, वो इस वक्त हमें अचानक मिल चुके हैं पटना एयरपोर्ट पर। हम उनसे थोड़ी सी बात करेंगे। सर, लगातार आप रैली कर रहे हैं, हेलीकॉप्टर से जनता के बीच जा रहे हैं, क्या निकल के आ रहा है, क्या कह रहे हैं? देखिए, हमारी अभी 4 नवंबर को पार्टी लॉन्च हुआ है पटना के गांधी मैदान में। 4 तारीख को हमारे एक बड़ा रैली था, 5 लाख से अधिक संख्या वहां पे जुटा था। तो अभी हमारे कुछ ऐसा एरिया है जहां से लोग नहीं आ पाए रैली में, क्योंकि जैसे अररिया हो गया या किशनगंज हो गया या भागलपुर हो गया, वहां से कम संख्या में आए। तो हमने निर्णय लिया, पार्टी के सभी पदाधिकारी ने निर्णय लिया कि हम लोग खुद वहां पे जाएंगे, समाज के बीच में जाएंगे। हमारी जो लड़ाई है आरक्षण का, घर घर तक पहुँचाएंगे और एक ताकत का एहसास कराएंगे पूरे पॉलिटिकल मार्केट में कि हमारे 14% बिहार में 14% से अधिक हमारे वोट बैंक है। हम 21 उपजाति से जाने जाते, 44 टाइटल के नाम से जाने जाते, तो हम बड़ी संख्या है। लोकतंत्र में जिसके पास ज्यादा संख्या हो वही व्यक्ति वीआईपी होता है। नरेंद्र मोदी को आपकी इस यात्रा से डर लग रहा है, भाजपा के लोग हैं वो कुछ बोलने से इनकार कर रहे हैं? हाँ, तो निश्चित तौर पे देख रहा है, जिसको 70 साल से दबा के रखा है वो समाज अगर ऊपर उठ रहा है तो निश्चित तौर पे सबको डर लगेगा। और हम लोग अभी अपने पैर पे खड़ा हो चुके हैं, अपने अधिकार को लेना सीख चुके हैं। आने वाले समय में हम अपने अधिकार को लड़के ले लेंगे। अपने अधिकार जो हमारे 70 साल पहले जो आरक्षण हमें संविधान में दिया गया था वो किसी कारण लागू नहीं हुआ, वो आने वाले समय में हम लागू करवा लेंगे। ये अपने दम पे हम लागू। समाज पूरी तरह से क्या सक्रिय है चुनाव को लेकर? जो निश्चित तौर पे 2019 का चुनाव के लिए पूरी तरीके से सक्रिय है। हर लोकसभा क्षेत्र में हमारे रैली हो रहा है हेलीकॉप्टर के द्वारा। अभी 5 रैली कल अररिया में रैली है हमारी, और उस तरीके से ये पहला चरण में 5 जिला का रैली रहा और दूसरे चरण में फरवरी में जो रैली होगा वो पूरे बिहार में 15 जिला में ऐसे रैली होगा। धीरे-धीरे से सभी पार्टियां जो है वो रुकती जा रही है, पहले आप रुक गए, कुछ समाज रुक गए, सभी रुक रही है। तो क्या लगता है आप आगे की स्ट्रेटेजी क्या बनाएंगे? आगे का देखिए, हम लोग जो समान विचारधारा से जो लोग हैं उनको साथ में हम लोग चलेंगे, और कुछ लोग अपने घमंड में चूर हैं, उनको परिणाम बहुत अच्छा हाल फिलहाल में 5 राज्य को से मिला उनको, और कहीं ना कहीं जो लोग घमंड में आएंगे उनको इसी मतलब कि मुकेश सहनी ने अब ठान लिया वो झुकेंगे नहीं। हम बिल्कुल ही नहीं झुकेंगे, हम क्यों झुकेंगे? हमारे पास 14.79% वोट बैंक है। झुकना उन लोगों को जिसके पास वोट बैंक नहीं है। हमारे पास अपने ताकत है, हमारे स्टैंड है, और आने वाले समय में मजबूती से हम बिहार में लड़ाई लड़ेंगे समाज घर पर। एक अंतिम सवाल, क्या रैली में लोग जो है जहाँ जहाँ जा रहे हैं लोगों का सपोर्ट आपको अच्छा मिल रहा है? एकदम बहुत ही अच्छा है। आप लोग ही अपने वीडियो में लगा रहे हैं, इतने बड़े बड़े सभा हो रहा है, एक एक सभा में 50,000 1-1 लाख लोगों का भीड़ उमड़ पड़ा है। तो हमारे एकदम बिहार में 14% से अधिक संख्या है, वो ताकत दिख रहा है पूरे बिहार में। तो ये थे हमारे साथ वीआईपी पार्टी के मुकेश सहनी जी, और इनके साथ जो समाज है निषाद समाज वो खड़ा हो चुका है। भाजपा को डरने की जरूरत है, कब डरेगी भाजपा, क्या कहेगी भाजपा? वीडियो में देख लेनी। काल भी जब आलोक यदुवंशी के साथ पटना एयरपोर्ट पर भेंट हो गई तो मुकेश सहनी दावा कैले कि अब उस समय आ गई बा कि निषाद समाज सरकार बनावे में और केंद्र के सत्ता में अपन भागीदारी सुनिश्चित करी और 3 से 5 के बीच में हमनी के जीत के जाइब जा और अपना समाज के अधिकार दिवाइब जा। निषाद समाज के आरक्षण के बहुत दिन से जौन बंद रहल हा ओकरा के दरवाजा हमनी के अपने से सदन में जाके खोलब जा। फिर कोनो खबर के साथ जुड़ब, तब तक खाती गोर लगा तनी। हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, ट्विटर पर फॉलो करें न्यूज़ बिहार लाइव,
और साथ ही साथ हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।